हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम आयुषी नेगी एंड वी आर डूइंग मनी एंड बैंकिंग। मनी ऑलरेडी हो चुका है, टुडे आई विल स्टार्ट विद बैंकिंग। बैंकिंग में देखेंगे व्हाट ऑल इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, व्हाट ऑल इज एक्सपेक्टेड टू कम, क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, वो हम पहले सब डिस्कस कर लेते हैं, देन विल स्टार्ट ईच ऑफ देम वन बाय वन। सबसे पहले तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज बैंक, ठीक है। बैंक्स क्या होते हैं एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दैट मीन्स वो सारे इंस्टीट्यूट जो फिनेंशियली हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम बैंक्स। तो पहले यही इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बैंक्स वर्सेस फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट आर बैंक्स, बैंक समझ लोगे, उसके बाद यू नीड टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ बैंक्स। बैंक्स भी बहुत तरीके के होते हैं, जितने तरीके के बैंक्स होंगे उतने तरीके के फंक्शंस होंगे। दैट मीन्स टाइप्स ऑफ बैंक्स के बाद यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर फंक्शंस। ये दो चीज़ें जब हो जाएंगी, इसके बाद जो थर्ड चीज़ आपको समझनी है इस चैप्टर में, ये सबसे मेन है। व्हाट इज दैट? मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर सुनते ही आपको एक और मल्टीप्लायर याद आना चाहिए। व्हाट इज दैट? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, राइट? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इसमें होता क्या है ना कि दोनों को मिक्सअप कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे, अगर उनसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पूछो वो आपको मनी मल्टीप्लायर बताएंगे, मनी मल्टीप्लायर पूछो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर लगा देंगे। सो डोंट कन्फ्यूज, सिंस बोथ आर मल्टीप्लायर्स तो इनकी वर्किंग, इनकी प्रोसेस एक तरीके से सेम है, लेकिन इसके प्रिफिक्स तो देखो, ये मल्टीप्लायर है इन्वेस्टमेंट, ये मल्टीप्लायर है मनी। दैट मीन्स यहाँ मनी मल्टीप्लाई हो रहा है इन ऑर्डर टू गिव यू मोर मनी, यहाँ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हो रहा है इन ऑर्डर टू गिव यू इनकम। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमने पढ़ चुका है, नहीं देखा है तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखो और इसे पढ़ो। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ये किस चैप्टर के अंदर आ रहा है? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट के इन्फ्यूज होने से वो मल्टीप्लाई होती है बहुत बार और क्या देती है? एक एग्रीगेट इनकम। सेम यहाँ मनी मल्टीप्लायर है, यहाँ मनी मल्टीप्लायर हो रहा है इन ऑर्डर टू क्रिएट मोर मनी। इसीलिए मनी मल्टीप्लायर को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट क्रिएशन। दैट मीन्स एक मनी के मल्टीप्लायर होने से और मनी जनरेट हो रही है, तो दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट। ये मनी है सो दिस इज कमिंग अंडर बैंकिंग, वो इन्वेस्टमेंट है वो आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में, राइट? सो इन्वेस्टमेंट तो हमने कर चुके हैं, वो हटा दो, बाकी आपको ये सारी चीज़ें देखनी है, बैंक्स को समझना है, टाइप्स ऑफ बैंक्स देखने हैं, उनके फंक्शंस और मनी मल्टीप्लायर। इसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और चैप्टर हो गया खत्म। सो लेट्स टेक ईच ऑफ देम वन बाय वन। पहले स्टार्ट करते हैं बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो अगर हम बैंक को जनरली समझे या किसी से भी पूछे, तो बैंक बेसिकली होता क्या है कि इट रिसीव्स आवर डिपॉजिट्स एंड गिव लोन्स। हम बैंक जाते हैं तो या तो अपने डिपॉजिट्स करते हैं या लोन्स लेते हैं। सो यही बैंकिंग है। बैंकिंग के दो ही एसेंशियल फीचर्स हैं, पहला है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, दूसरा है टू क्रिएट मनी। क्रिएट मतलब ये नहीं पैसा बना रहे हैं, क्रिएशन ऑफ मनी या फिर जो प्रिंटिंग ऑफ नोट्स है वो तो आरबीआई का काम है, लेकिन यहाँ क्रिएट मनी से मतलब क्या है कि हमें मनी प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोवाइड जो मनी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, लेंडिंग, बाय लेंडिंग। लेंडिंग मतलब दे रहे हैं, लोन्स दे रहे हैं, सो इस वजह से मनी क्रिएट हो रहा है। तो अगर बैंकिंग की बात की जाए तो बैंकिंग में ये दोनों चीज़ें होनी इंपॉर्टेंट है, डिपॉजिट्स भी और लेंडिंग्स भी। वेयर एज योर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक पोस्ट ऑफिस हो गया या फिर LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, ये लोग क्या करते हैं? ये अगर आप LIC की बात करो, सो दे गिव यू लोन्स, लेकिन वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करते। दैट मीन्स या तो ये होगा या ये होगा, दोनों चीज़ें नहीं होंगी। अगर ये हो रहा है आपके डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस में होता है, आप डिपॉजिट करवाते हो, सेविंग्स करवाते हो या कोई भी चीज़ करवाते हो, सो पोस्ट ऑफिस में क्या हो रहा है? कोई लेंडिंग का काम नहीं हो रहा है, कोई भी पोस्ट ऑफिस आपको एज सच लोन नहीं देगा। सो दैट इज़ व्हाट, एक तरीके से एक ही चीज़ हो पा रही है, डिपॉजिट्स ही हो पा रहे हैं, लेंडिंग्स नहीं हो पा रही है। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस में देखो तो वहाँ एज सच डिपॉजिट्स नहीं हो, आपको लोन्स दे रहे हैं। सो या तो लोन दे रहे हो या डिपॉजिट कर रहे हो, तो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया। मदद तो कर रहे हैं, फिनेंस तो कर रहे हैं, बट दोनों चीज़ें नहीं हो रही हैं। जहाँ दोनों चीज़ें होंगी दैट विल बी बैंक। जहाँ इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो, लाइक योर LIC, योर पोस्ट ऑफिसेस, दैट विल बी योर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट? सो बैंक सबको क्लियर हुआ, जो रिसीव भी करता है और जो लोन भी प्रोवाइड करता है। अब हम इसके बाद देखेंगे व्हाट आर टाइप्स ऑफ बैंक्स, बैंक्स कितने तरीके के होते हैं।
ओके नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ बैंक्स. तो देखो अगर आप बैंक्स को देखोगे ना, बैंक्स बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, लाइक इंडस्ट्रियल बैंक, एक्सचेंज बैंक, एग्रीकल्चर या कोऑपरेटिव बैंक्स, रिटेल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, सेविंग बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स. बैंक्स बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं. नाउ आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है पहले तो देख लो सारी चीज़ें, क्योंकि सारे बैंक्स हैं, सारे इसी इकोनॉमी में वर्क हो रहे हो, तो इंपॉर्टेंट तो सभी बनते हैं. बट अगर आपके टॉपिक या आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए, देन योर कमर्शियल बैंक्स एंड योर सेंट्रल बैंक, ये दोनों ही सबसे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं समझने के लिए कि लाइक व्हाट आर कमर्शियल बैंक्स एंड व्हाट आर सेंट्रल बैंक. कमर्शियल बैंक को देखेंगे, उसके फंक्शंस देखेंगे कि उसके प्राइमरी फंक्शन क्या है, सेकेंडरी फंक्शन क्या है. देन विल सी सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक मीन्स आरबीआई, हमारा तो आरबीआई है, सबका अपना अपना होता है सारी कंट्रीज का. सो आरबीआई के क्या फंक्शंस हैं एंड हाउ आरबीआई वाला बैंक इज डिफरेंट फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स. देखो अगर आप कमर्शियल बैंक को वैसे ही ब्रेक करो, देखो कौन से बैंक्स हैं ये, कमर्शियल. सो कमर्शियल वर्ड का मतलब क्या होता है, कमर्शियल इंडस्ट्री, कमर्शियल बैंक. कमर्शियल वर्ड का मतलब है जो प्रॉफिट सीकर है या जो जिसका मेन एम ही है प्रॉफिट कमाना. सो कमर्शियल बैंक्स का मेन एम क्या है, प्रॉफिट कमाना. अब कैसे कमाएंगे प्रॉफिट बताओ, ये क्या है, बैंक्स हैं. बैंक्स के हमने दो इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़े थे, क्या थे कि बैंक्स दे विल एक्सेप्ट डिपॉजिट्स और यही क्या देंगे, लोन्स या एडवांसेस लोगों को, राइट. अब जो आप लोग इनको डिपॉजिट कर रहे हो उसके बदले आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट. आपने इनको दिया डिपॉजिट्स, इन्होंने आपको क्या दिया, इंटरेस्ट, राइट. अब ये जब आपको लोन देंगे तो आपसे क्या लेंगे, इंटरेस्ट, राइट. अब ये प्रॉफिट कमाते कैसे, ये प्रॉफिट ऐसे कमाते हैं कि जो यहां ये हमें इंटरेस्ट दे रहे हैं हमारे डिपॉजिट्स पे वो कम होता है इन कंपैरिजन टू इंटरेस्ट दैट दे आर चार्जिंग ऑन दीज लोन्स. लोन्स पे जो इंटरेस्ट लगाते हैं वो तो ज्यादा लगाते हैं और डिपॉजिट्स पे जो इंटरेस्ट देते हैं वो कम देते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने जो डिपॉजिट्स कराया उसके बदले आपको मिला 4% का इंटरेस्ट और जो आपने इनसे लोन्स लिए थे उसमें इंटरेस्ट लगा 8%. तो गैप कितने का आ गया, 8% माइनस 4% मीन्स 4%. सो ये 4% है क्या, प्रॉफिट. किसका प्रॉफिट है, ये बैंक्स का ही तो है. और देखो आपके डिपॉजिट्स ही एक तरीके से दूसरे के लिए लोन का काम कर रहे हैं, आपके डिपॉजिट्स ही किसी एक तरीके से लोन का काम कर रहे हैं. और ये मनी मल्टीप्लायर में पढ़ेंगे, अभी हल्का हल्का समझ लो यहां, आपके डिपॉजिट ही किसी दूसरे का लोन बन रहे हैं, राइट. आपके डिपॉजिट्स पे तो कम इंटरेस्ट दे दिया, आप ही का पैसा जो दूसरे को दिया उस पर इंटरेस्ट ज्यादा लगा लिया और 4% का क्या हो गया, इनको प्रॉफिट हो गया. इसीलिए इनका मेन एम क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट बाय दिस द साइकिल. इसीलिए इन बैंक्स का नाम क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स. अब कमर्शियल बैंक्स ये सर्विस तो दे रहे हैं कि भाई डिपॉजिट्स भी दे रहे हैं, लोन्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, साथ के साथ और सर्विसेज क्या क्या देते हैं, ये ATM फैसिलिटी, डिमांड ड्राफ्ट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या जो भी चीज़ें सारी चलती हैं वो आप कमर्शियल बैंक्स में करा सकते हो. सो ये तो हम समझ गए कमर्शियल बैंक्स के मेन मोटिव क्या है, क्या सारी चीज़ें. अब जरा पहले ये भी समझो कि जो ये कमर्शियल बैंक्स है ना, ये फर्दर कैटेगराइज है चीज़ों के लिए. सो इसको और डिटेल में देखते, देखो इसके ना वैसे फंक्शंस भी आएंगे, आप पहले इसके फंक्शंस ही देख लो. कमर्शियल बैंक को आपने समझ लिया, अब इसके फंक्शंस देखो. एक होगा प्राइमरी फंक्शन, दैट मीन्स मेन फंक्शन, एक होगा सेकेंडरी फंक्शन. सो प्राइमरी फंक्शन में जो उसका मेन फंक्शन है वो क्या होगा, डिपॉजिट्स, दैट मींस डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना लोगों से. अब जो वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करेंगे वो किसी ना किसी अकाउंट में तो डालेंगे ना. सो हमारे पे बेसिकली इस प्राइमरी फंक्शन का जो मेन है डिपॉजिट्स वो 3 अकाउंट्स में है. सो ये थोड़ा डिटेल वाली चीज़ है, इसमें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बट अभी आप समझ लो कमर्शियल बैंक्स हमने समझ लिया. कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी के अंडर आ रहा है एक तो डिपॉजिट्स और दूसरा आएगा लोन्स, जो वो लोन्स प्रोवाइड करती है. अब लोन्स भी बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, जो बिजनेसमैन हैं या जो फर्म्स वाले हैं उनको लोन जो देना है वो अलग होगा, जो नॉर्मल हाउस होल्ड्स हैं या नॉर्मल
चीज़ें किसी को चाहिए उनके लिए लोन्स जो देंगे वो अलग होगा, जो ब्रोकर्स हैं या और चीज़ें एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है उनके लिए जो लोन्स देंगे वो अलग टाइप का होगा। सो ये लोन्स भी फर्दर कैटेगराइज है, ये डिपॉजिट्स भी फर्दर कैटेगराइज है, जिसे हम समझेंगे, बट अभी इतना जान लो प्राइमरी के अंदर दो चीज़ें आ रही हैं। सेकेंडरी फंक्शंस क्या होंगे, सेकेंडरी मतलब इसके अलावा और बैंक्स क्या फैसिलिटी देता है कमर्शियल बैंक्स। सो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है, डिसइन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी देता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। सो सेकेंडरी में ये सारी चीज़ें आती हैं, राइट? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है और एक डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स होता है, डिसइन्वेस्टमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो ये हम एक एक करके समझेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं आप चाह रही हूँ कि जो कमर्शियल बैंक्स है ना, लाइक जो हमारा SBI है, हमारा पंजाब नेशनल बैंक है, व्हाट इज़ नेशनलाइज्ड बैंक, व्हाट इज़ PSB प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, व्हाट इज़ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, क्या डिफरेंस है क्या नहीं है, ज़रा इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के लिए जितना आपने समझना था वो मैं आपको बता चुकी हूँ। मेन उसमें और ये है फंक्शंस, प्राइमरी और सेकेंडरी, जो मैं एक करके अगली वीडियो में देख लेंगे। ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये चाहे सिलेबस का पार्ट हो ना हो, बट आपको ये पता होना ज़रूरी है। वैसे अगर मैं इसमें और डिटेल में जाऊँ तो बहुत सारी वीडियो बन सकती है, बट एटलीस्ट इतना तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं बार क्वेश्चन आ भी जाता है, पेपर में भी आ जाता है। सो अगर आप कमर्शियल बैंक्स को देखो ना, तो कमर्शियल बैंक्स भी कैटेगराइज्ड हैं। कमर्शियल बैंक एक तो शेड्यूल बैंक्स में और नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में कैटेगराइज है। ये दोनों कैटेगराइज हुए कब? दे बोथ आर रेगुलेटेड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। जो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, इन दोनों के तहत ये कमर्शियल बैंक्स इन दोनों में डिवाइड हुए, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड, राइट? अपने मन से नहीं हो गए। सो दिस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इन दोनों को कैटेगराइज करा कमर्शियल बैंक्स में, राइट? अब शेड्यूल बैंक्स, सबसे पहले शेड्यूल बैंक देखते हैं और फिर नॉन शेड्यूल भी देखेंगे। शेड्यूल बैंक्स की अगर बात करूं तो शेड्यूल बैंक्स फिर कैटेगराइज हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में और शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स में। अब शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में कौन कौन से बैंक्स आ जाते हैं? 5 बैंक्स। एक तो SBI, जो हमारा SBI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड इट्स 5 एसोसिएट्स। उसके एसोसिएट्स कितने हैं? 5 है ना, क्या है वो? स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ रायपुर, 5 है। सो SBI एंड इट्स एसोसिएट्स, पता होना चाहिए जो हमारा SBI बैंक है वो किसके अंडर है। वो कमर्शियल बैंक है एक, वो भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। दूसरा क्या है? नेशनलाइज्ड बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स भी हैं, अब इनको भी पढ़ेंगे। तीसरा है प्राइवेट बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक। चौथा है RRBs। RRBs क्या होते हैं? रीजनल रूलर बैंक्स, जो रूलर एरियाज में बैंक्स हैं उनको क्या बोलते हैं? रीजनल रूलर बैंक्स। तो आप देख रहे हो कितने टाइप के बैंक्स हो गए। पहले तो ये मेनली इतने बैंक्स थे डिफरेंट डिफरेंट, उसमें से हमने अभी इन सबको कुछ नहीं पढ़ रहे, अभी हम सिर्फ कमर्शियल और सेंट्रल को देखेंगे। और कमर्शियल की भी हमने मेन चीज़ देख ली, और कमर्शियल बैंक्स के भी अंडर कितने सारे बैंक्स आ रहे हैं। तो आपका SBI, नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, RRBs, रीजनल रूलर बैंक्स एंड योर फॉरेन बैंक्स, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? अब तुम बोलोगे यहाँ प्राइवेट सेक्टर बैंक है, सो वेयर इज पब्लिक सेक्टर बैंक? अगर आप SBI और नेशनलाइज्ड बैंक को क्लब करो, देन व्हाट यू गेट? यू गेट PSB, दैट मीन्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। सो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी यही है, वो बस नेशनलाइज्ड और SBI बैंक्स को मिला के हैं, राइट? अब एक बार देख लेते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन से हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कौन से हैं। अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें, सो मोस्टली ये आता है कि ये सारे गवर्नमेंट बैंक्स हैं। गवर्नमेंट बैंक्स ये डायरेक्टली नहीं है, एक तरीके से इनडायरेक्टली है। मतलब गवर्नमेंट के बैंक इसलिए हैं ये क्योंकि गवर्नमेंट के शेयर्स ज़्यादा है, गवर्नमेंट की स्टेक ज़्यादा है। हम बोलते हैं ना 51% या उससे ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट की होल्ड उसमें ज़्यादा है, गवर्नमेंट के शेयर्स इन बैंक्स में, जो ये 12 बैंक्स है। अच्छा, ये इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं, कभी गवर्नमेंट अपने शेयर्स इन बैंक से हटा देती है, प्राइवेट को दे देती है, या प्राइवेट वाले गवर्नमेंट को दे देते हैं। जो ये चेंजेस चलते रहते हैं कि करंटली कितना है, डे टू डे चेंज होता, डे टू डे नहीं मतलब टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है। सो अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें, पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट के स्टेक्स उस बैंक में सबसे ज़्यादा है, 51% या उससे ज़्यादा है, होल्ड ज़्यादा है, इसलिए कंट्रोल या रेगुलेट ज़्यादा कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी। इसलिए उन बैंक्स को क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक्स। कौन कौन से बैंक्स आ जाते हैं? 12 डिफरेंट बैंक्स है जो इसके अंडर आते हैं, लिस्ट आप चेक कर सकते हो, बट मेनली आपका SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया,
बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, सो देर आर मेनी बैंक्स दैट कम्स अंडर पब्लिक सेक्टर बैंक्स. आप इसकी लेटेस्ट करंट लिस्ट चेक कर सकते हैं. प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें, ऑब्वियसली अभी यहाँ पे स्टेक ज़्यादा किसका होगा, प्राइवेट लोगों का ज़्यादा होगा, इसलिए कौन से बैंक्स है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ये इसको रेगुलेट या कंट्रोल कर सकते हैं. इसके अंडर कौन कौन से बैंक आ जाते हैं, एक्सिस बैंक, इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, IDBI बैंक है. सो इसकी भी 15 बैंक्स इसके अंडर आते हैं, इसकी भी आप करंट लिस्ट चेक कर सकते हो. सो एक मैंने आपको, अगर आपके सिर्फ सिलेबस का देखें तो उसमें कमर्शियल बैंक क्या होते हैं और कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, बैंक और फाइनेंशियल बैंक क्या होता है, इतना ही है. बट फिर भी आपको ये थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जाननी ज़रूरी है जो मैंने आपको थोड़ी बहुत बताई. अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कमर्शियल बैंक्स के जो फंक्शंस हैं उन्हें एक एक करके देखेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और वो आएगा एग्जाम में. सो इन माय नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस दैट. उससे पहले आपका जो पार्ट है वो आप करो, प्लस ये थोड़ी लेटेस्ट चीज़ें भी देखते रहो, अलग नोटबुक मेंटेन करो, आगे आपके बहुत हेल्प आएगी. देखो बाकी जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनमें ज़रूरी नहीं आपके बुक से आए, करंट चीज़ें ही आएंगी. सो ट्राई टू मेंटेन अ सेपरेट बुक जिसमें नोटबुक जिसमें आप ये मेंटेन कर रहे हो. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल अभी तक नहीं करा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक्स को चेक कर लो. पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो. बाय बाय.